मैडम तुसाद सिंगापुर, 5 महीने में 20 एक्सपर्ट्स की टीम ने तैयार किया श्रीदेवी का वैक्स स्टैच्यू। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। आज श्रीदेवी का जन्मदिन है। दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी को उनके परिवार वाले, फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स याद कर रहे हैं। श्रीदेवी को मैडम तुसाद सिंगापुर ने खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। मैडम तुसाद सिंगापुर ने श्रीदेवी के 56 बर्थडे पर उनके वैक्स स्टैचू के लॉन्च का ऐलान किया है। श्रीदेवी की याद में उनका ये मोम का पुतला बनाया गया है। ये मोम का पुतला काफी खास है। 20 एक्सपर्ट्स आर्टिस्ट की टीम ने श्रीदेवी के परिवार के साथ मिलकर उनके पोज, एक्सप्रेशंस, मेकअप और आइकॉनिक आउटफिट को रिक्रिएट करने में 5 महीने तक का काम किया। एक्ट्रेस के वैक्स स्टैच्यू से जुड़ी सामने आई डिटेल के मुताबिक श्रीदेवी के आउटफिट को रिक्रिएट करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा। श्रीदेवी का क्राउन, कफ्स, इयररिंग्स और ड्रेस में मौजूद 3D प्रिंट को कई टेस्ट के बाद पूरा किया गया। जानकारी के मुताबिक फिल्म मिस्टर इंडिया के आइकॉनिक सॉन्ग हवा हवाई में जो श्रीदेवी का लुक दिखा था, वैक्स स्टैच्यू उसी लुक पर तैयार किया गया है। ड्रेसअप, क्राउन, मेकअप, हेयर स्टाइल हूबहू हवा हवाई के लुक का बताया जा रहा है। श्रीदेवी के इस मोम के पुतले को ऑफिशियली सितंबर की शुरुआत में उनके पति बोनी कपूर, जानवी और खुशी कपूर द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पत्नी को मिले इस सम्मान से बोनी कपूर बहुत ही खुश है। मैडम तुसाद सिंगापुर के जनरल मैनेजर एलेक्स वार्ड ने कहा कि श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की आइकॉन है। उनके बिना अल्टीमेट फिल्म स्टार एक्सपीरियंस जोन अधूरा है। हमें खुशी है कि मैडम तुसाद में श्रीदेवी की लेगेसी को जगह मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।